स्वतंत्रता दिवस 110 वर्ष पूर्ण हुआ। समस्त बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामना देती हूँ। जय बिहार, जय हिंद। बिहार की स्थापना के 110 वर्ष आज पूरे हुए हो गए हैं। ये वही बिहार है जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू बाकी देशों में विख्यात है। अतः आप सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना। जय बिहार, जय हिंद। 22 मार्च 1912 को हम लोग बंगाल प्रेसिडेंट से कट के हम लोग बिहार राज्य बना था। आज ठीक 110 साल पूरा होने की खुशी में बिहार वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और राजा वासियों को स्पेशली होली की रिलेटेड हैप्पी होली। राजा नगर में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होली मना, इसके लिए शासन प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नगरवासियों से गुजारिश करूंगा कि साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें, कि बिहार से ऑब्वियसली जब भी देखा गया है कि जब भी यूपीएससी का सिलेक्शन होता है तो अंडर 10 में तो 3-4 होते ही होते हैं, और अगर अंडर 100 देखेंगे तो नो डाउट हमें लगता है 20-25 कैंडिडेट यहाँ से चुने जाते हैं। बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है। इसका एक रीज़न मैं देखूंगा, क्योंकि मैं भी सेवानिवृत्त हूँ और मैं भी एजुकेशन से ही नौकरी में गया था, तो मुझे लगता है कि जो मेरा अपना मानना है कि बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जिसकी कमी के कारण लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो एजुकेशन को ही अपॉर्चुनिटी बना के लोग निकलते हैं और उसमें डेफिनेटली बेस्ट करते हैं। तो हमें लगता है कि बिहार वासी जो भी काम करते हैं उसमें बेस्ट करते हैं। आप जिस फील्ड में भी देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें परचम पर लहरा रहे हैं। मुझे लगा कि जिस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है, कमल जिस तरह कीचड़ में कहीं भी खिल सकता है, तो जिसके माइंड में इनोवेटिव आइडिया हो, कुछ करने का जुनून हो, तो वो कहीं भी रख के कुछ भी कर सकता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ही मैं डिस्ट्रिक्ट में ना रख के अपने होम टाउन में रखा हूँ, ये रियली बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो मुझे नहीं लगता है कि कोई कर सकेगा। लेकिन मैं लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि अपने शहर में अगर रह के व्यापार करते हैं तो कम से कम लोगों को इससे नौकरी मिलती है। जय बिहार। मैं दयाशंकर प्रसाद, मंत्री बिहार खुदरा विक्रेता संघ झाझा, आज 110वें स्थापना दिवस बिहार का जो मनाया जा रहा है उसमें बिहार प्रदेश तो है ही, लेकिन आज हमारे जम्मू जिला में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, और बिहार की खुशबू, बिहार के मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी है जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ये बिहार ऐसा राज्य है जहाँ से अच्छे अच्छे आईपीएस आईएएस पूरे देश को मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। आज बिहार 110 साल का उत्सव मना रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सभी पर्व हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर बहुत खुशी से मनाते हैं। अभी होली और शब बारात भी दोनों संप्रदाय के लोग मिलजुल करके मनाए। सामने रमजान का भी महीना है जिसमें दोनों धर्म के लोग मिलजुल करके मनाते हैं। आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में सभी बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ।